आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। अगर आप बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं, बिजनेस क्रॉस्पोंडेंट सर्विस यूज करना चाहते हैं और अपने घर पे ही CSP चलाना चाहते हैं, या अगर आप लोगों के पास कोई भी बिजनेस पॉइंट है, जैसे मान लीजिए किराना दुकान है, ऑनलाइन सेंटर है, तो आप वहाँ पे अपने CSP सुविधा देना चाहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। वो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से देना है, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जो यूज करना है वेबसाइट का, वो है IPPBonline.com। जैसे इस सर्विस पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को, ये हम आप लोगों को मोबाइल से अप्लाई करने के लिए बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को घर बैठे मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों को लैपटॉप का भी ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्विस रिक्वेस्ट करके ऑप्शन शो कर रहा है। अगर आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर हैं, अगर कस्टमर सर्विस सपोर्ट चाहिए तो यहाँ से आप IPPB कस्टमर पे कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए हमको CSP अप्लाई करना है तो यहाँ पे नॉन IPPB कस्टमर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे अगर हम आप लोगों को ड्रॉप डाउन करके दिखा देते हैं, नीचे यहाँ पे देखिए नॉन IPPB कस्टमर, तो यहाँ पे सर्विस फॉर्म, डोर स्टेप बैंकिंग और उनके बाद सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म एसोसिएट विथ अस, इस पर क्या करना है आपको एसोसिएट वाला पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एसोसिएट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट फ्रॉम एसोसिएट विथ अस, यहाँ पे आप देखिए ऑल फील्ड मार्क, जो रेड कलर का फील्ड लगाया गया मार्क किया हुआ है, वो आप लोगों को यहाँ पे भरना अनिवार्य है। अब यहाँ पे देखिए हम बीसी पॉइंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, जो यहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का ऑप्शन है, इस पर आपको चेक मार्क कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको MR या MRS या MS, जो भी आप देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नियरेस्ट जो भी आप लोगों को पिन कोड डालना होता है, चलिए हम पहले आपको भर के दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सभी डिटेल्स फिलअप कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आपको पूछा जाता है, उनके बाद लिंक IPPB ब्रांच जो है वो आप लोगों को पूछा जाता है, उनके बाद यहाँ पे डिवीज़न आ जाएगा ऑटोमेटिक रीजन, और उनके बाद सर्कल जो आता है इनका वो आ जाएगा ऑटोमेटिक, ये सभी आ जाता है। उनके बाद यहाँ पे एनी स्पेसिफिक जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट अगर कोई आप डालना चाहते तो या आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट वेरिफिकेशन जो होता है कैप्चा फिल करके, उनके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। तो जैसे ही आपको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सबमिट होने के लिए तैयार हो जाएगा, ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा। प्रोसेसिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट हुआ है या नहीं वो भी बता देगा।